आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। 90 के दशक में अपने धमाकेदार रैप सॉन्ग से तहलका मचाने वाले एक फेमस सिंगर जिन्हें किंग ऑफ रैप के नाम से जाना जाता है। आगे आगे लड़की पीछे मैं हुसैना, दुनिया का ही पापा हो गया है दीवाना। भारत में रैप सॉन्ग्स की शुरुआत करने वाले पहले शख्स जिन्होंने अपने 35 साल के लंबे करियर में एक रैपर, एक्टर, सॉन्ग राइटर, टीवी होस्ट, डायरेक्टर और एंटरटेनर के तौर पर भी शानदार काम किया। साथ ही ये ऐसे पहले इंडियन रहे जिनका म्यूजिक वीडियो MTV एशिया पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रैपर बनने से पहले ये इलाहाबाद के सरकारी दफ्तर में और फिर डेसू में इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। आया अमेरिका इनोवेट कर दे बाबा, दिल के सारे ठंडा पाओ करो शोर शराबा। आया अमेरिका इनोवेट कर दे बाबा। क्या आपको पता है कि बादशाह, हनी सिंह और रफ्तार जैसे रैप सिंगर्स के लिए इन्होंने ही प्लेटफॉर्म तैयार किया और रैप सॉन्ग्स को सबसे पहले इंडियन ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस फेमस रैपर के लिए इनकी कामयाबी ही मुसीबत बन गई और अंडरवर्ल्ड की धमकियों से खौफ ज्यादा होकर इन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ा। मैटर है नीजी, मोबाइल में 3G, वेट 90 kg, आई एम गोइंग क्रेजी, मूड बनाना पड़ता है जिम जाने के लिए। तो आखिरकार कैसे लखनऊ का एक साधारण सा लड़का देश का पहला रैपर बन गया? कैसे इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बिल्कुल अलग फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करके क्रांति ला दी? और फिर क्यों इतना टैलेंटेड कलाकार अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गया? कह दे या ना कह दे, मत रख पहे। ये आज कहाँ हैं और क्या करते हैं, बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी ये तमाम बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल किसी को लाइक करता है जाकर उसको बोल देना, हाँ बोलेगी ना बोलेगी, इमोशंस फिर भी खोल देना, प्यार ही तो किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं एक मल्टी टैलेंटेड, इनोवेटिव, डाउन टू अर्थ शख्स की जो है बाबा सहगल। मैडोना इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हम रेगुलरली टेलीफोन पर बातें करते हैं, एक दूसरे को मीठी मीठी पापी देते हैं, कल ही की तो बात है वो सीक्रेटली मेरे घर पर आई। और दोस्तों, अगर आप 90s किड रहे हैं तो बाबा सहगल को अच्छी तरह से जानते होंगे, और अगर नहीं भी तो अब तक तो समझ ही गए होंगे कि बाबा हमारे देश के पहले रैप सिंगर थे और तब इनके गानों ने धूम मचा रखा था। गोरा चेहरा काला दिल, धक 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 धड़के दिल, गोरा चेहरा काला दिल। दोस्तों, बाबा सहगल ने इंडिया में रैप का ऐसा ट्रेंड चला दिया कि उस दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री में धड़ल्ले से रैप सॉन्ग्स बनने लगे और इनके बाद तो रैप और पॉप सिंगर्स की भारत में बाढ़ सी आ गई। और को चार बोलो, दूर को बार बोलो, नेकलेस को हार बोलो, वायर को तार बोलो, दुल्हन जो रेडी है उसे। उस समय कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स के मेलोडियस गानों का दौर था, लेकिन उसमें बाबा ने ऐसी सेंध मारी कर डाली कि यंगस्टर्स ऐसे सॉन्ग्स के दीवाने होते चले गए। द बिग सिटी मुंबई सिटी, यहाँ लोग है शयाने और दिमाग वेरी बिजी। पर अफसोस, इन्हें तब इंडिया में एमिनेम, एनरिक या JZ जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी जो उस दौर के इंटरनेशनल सिंगर्स थे, और ना ही आज के दौर के बादशाह या हनी सिंह जितना इनका सिक्का चल पाया। पर फिर भी इस सच को कोई नहीं नकार सकता कि इंडिया में रैप कल्चर को लॉन्च करने का पूरा क्रेडिट बाबा सहगल को ही जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिल्म गली बॉय के बाद इंडिया में बेहतर तरीके से हिप हॉप रिवॉल्यूशन हुआ है,
वरना यहाँ के पॉप और हिप हॉप लवर विदेशियों के रैप सॉन्ग सुनकर ही काम चलाया करते थे। डिवाइन, नेजी, रफ्तार, एमिवे, लिल गोलू और स्पिट फायर जैसे कई रैपर्स के नाम अब आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे पास योयो हनी सिंह और बादशाह ही एक तरह से ऑप्शन थे, लेकिन इनके गानों में रैप पार्ट कितना होता है ये आपको पता ही होगा। दोस्तों, बाबा सहगल पिछले 30 साल से रैप करते आ रहे हैं, फिर भी आज की जनरेशन इन्हें जानती तक नहीं है। तो आज हम इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे। क्या तूने गाया है ये गाना, हिल गया है जमाना, योहानी। बाबा सहगल का जन्म 23 नवंबर 1965 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनका असली नाम हरजीत सिंह सहगल था। बचपन में प्यार से इनके घर वाले इन्हें बब्बू कहकर बुलाते थे। ये बेहद कम उम्र से ही किशोर कुमार के फैन थे और हरदम उनके गाने गुनगुनाते रहते थे। लेकिन हरजीत उर्फ बब्बू का नाम बाबा कैसे पड़ गया? तो जब ये कॉलेज पहुंचे तो इनके स्टाइल को देखते हुए इनके दोस्त इन्हें बाबा कहकर पुकारने लगे। इन्हें भी ये नाम पसंद आया और इसी को अपना नाम बना लिया और आगे बाबा सहगल के ही नाम से जाने गए। तो बाबा ने लखनऊ से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद नैनीताल के जीवी पंत यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और इनके पापा ने खुश होकर तब इन्हें मारुति 800 कार गिफ्ट कर दी। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद परिवार के मन मुताबिक बाबा को अब नौकरी करनी पड़ी और सिंगर बनने की चाहत को अंदर ही दबाए हुए इन्होंने कुछ दिन इलाहाबाद और नैनी में सरकारी दफ्तर में जॉब भी किया। इसके बाद डेसू यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में इंस्पेक्टर के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई और ये दिल्ली चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों में बाबा अपनी 9 to 5 जॉब से इतने ऊब गए कि दिल्ली छोड़ मुंबई पहुंच गए। मुंबई में बाबा के एक दोस्त रहते थे जो मैग्ना साउंड नाम की कंपनी में मैनेजर थे। कहा जाता है कि उन दिनों इंडिपेंडेंट म्यूजिक को सपोर्ट करने वाली यही एक कंपनी थी जो बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म म्यूजिक को टक्कर देती थी। यहाँ बाबा ने संघर्ष करना शुरू किया और उसी कंपनी के सपोर्ट से 2 साल के गैप में 2 एल्बम निकाले, दिलरुबा और अली बाबा। सपनों की रानी, बड़ी मस्तानी, लगती दीवानी, क्या हूँ? रहम करो मेरे मालिक, मेरा सूट केस ही खो गया। इंडिया में तब रैप म्यूजिक का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए शायद ये लोगों के पल्ले नहीं पड़ा और दोनों एल्बम धड़ाम हो गए। कंपनी ने कहा कि अब एल्बम नहीं बना सकते। दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर भी बढ़ रहा था कि वापस दिल्ली आ जाओ, क्योंकि वहाँ इनकी पुरानी जॉब अभी भी सुरक्षित थी जहाँ से इन्होंने छुट्टी ले रखी थी। पर बाबा ने घिसे पीटे ढर्रे पर चलने वाली बोरिंग लाइफ की जगह स्ट्रगल को चुना और लौटने से मना कर दिया। उस दौर में लोगों के पास ज्यादा टीवी चैनल्स नहीं होते थे, तब इंडिया की इकलौती लाइफलाइन थी दूरदर्शन और साथ में डीडी मेट्रो। तब विदेशी कंपनियां भारत में कदम रख ही रही थी, इसकी शुरुआत हुई थी एमटीवी से। बाबा के एक दोस्त के घर में एक दिन टीवी पर एमटीवी चैनल चल रहा था जिसमें आइस आइस बेबी नाम का इंग्लिश गाना आ रहा था। My brand new invention, something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? बाबा को उस गाने की ट्यून काफी पसंद आ गई और इन्होंने उससे इंस्पायर होकर फटाफट कुछ लिखकर तैयार कर लिया और उसे लेकर एक बार फिर मैग्ना साउंड कंपनी के ऑफिस पहुंचे। वहां मौजूद तमाम लोगों को इन्होंने अपना लिखा हुआ वो गाना सुनाया। इनके उस रैप को सुनकर सबने खूब तालियां बजाई और फाइनली कंपनी के हेड बाबा सहगल के साथ एक और नया एल्बम बनाने के लिए तैयार हो गए। तब एक एल्बम में 8 गाने हुआ करते थे। फटाफट ये 8 गाने तैयार किए गए और 2 महीने के अंदर ही साल 1992 में एल्बम रिलीज कर दिया गया। इसमें ठंडा ठंडा पानी टाइटल का एक गाना था जो बेहद बड़ा हिट साबित हुआ। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। बस यहीं से बाबा की किस्मत के दरवाजे खुल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1992 में ठंडा ठंडा पानी के 5 मिलियन कैसेट्स बिके थे
और ये इंडिया का पहला सक्सेसफुल रैप एल्बम बन गया। मैं 5-स्टार होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल, आया मैनेजर बोला बैठिए प्लीज सर सर सब आपकी सेवा में मैं। हालांकि अब समस्या ये थी कि गाने हिट होने के बावजूद बाबा सहगल को कोई पहचानता नहीं था और इनका फेस वैल्यू नहीं बन पा रहा था, क्योंकि अभी तक गानों के वीडियोस नहीं बनते थे तो इनका फेस सामने नहीं आया था। ऐसे में बाबा ने नया ट्रेंड शुरू करने के बारे में सोचा और अपने एल्बम के एक गाने का म्यूजिक वीडियो तैयार किया। इसमें बाबा सहगल दिख रहे थे और इनके साथ एक्ट्रेस पूजा बेदी को फीचर किया गया था। दिल धड़के, मेरा दिल धड़के, कोई नहीं जाने मेरा दिल। बता दें कि गाना दिल धड़के MTV पर दिखाया जाने वाला इंडिया का पहला म्यूजिक वीडियो सॉन्ग बन गया। इस तरह बाबा ने एक और नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया था। कोई नहीं बोलता है, मैं भी नहीं बोलूंगा, ये तूने कैसे जाना मेरे यार, हे हे, देखो देखो कैसे चलती है वो हसीना जैसे चले। इसके बाद साल 1993 में बाबा ने एक और एल्बम लॉन्च किया, मैं भी मैडोना। आगे आगे लड़की पीछे मैं हुसैना, दुनिया कहे पापा हुसैया है दीवाना। तो वहीं इसी साल बाबा बचाओ ना नाम से इनका एक और म्यूजिक वीडियो एल्बम सामने आया। ईयर 1994 में बाबा सहगल का एक म्यूजिक एल्बम सामने आया, डॉक्टर ढींगरा। इफ यू हैव फीवर 100 से ज्यादा मी डॉक्टर ढींगरा, वेरी गुड जेंटलमैन। बाबा को मिल रही इस सक्सेस ने इनके लिए बॉलीवुड के रास्ते भी तैयार किए और इन्हें साल 1998 में आई फिल्म मिस 420 में एज एन एक्टर और सिंगर बेहतरीन मौका मिला। इनमें सबसे हिट गाना रहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बाबा सहगल ने ये गाना अन्नू मलिक के साथ मिलकर गाया और तैयार किया, जो सुपरहिट हो गया और फिल्मी गलियारे में भी इनकी खूब चर्चा होने लगी। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, गाना बजाना खाना पीना। इसके अलावा भी बाबा ने इस फिल्म के लिए 3 और गाने गाए थे जो पसंद किए गए। हालांकि ये फिल्म काफी लेट से रिलीज हुई और इसके कुछ साउंड ट्रैक पहले 1994 में ही रिलीज कर दिए गए थे। कह दे या ना कह दे मत रख पहेल, ओ काली आंखों वाली सुन कुड़ी, ये पंजाबी तेरे गाल है, गुलाबी तेरे होंठ। साल 1994 में ही बाबा एक और फिल्म का हिस्सा रहे जिसमें इनका डबल रोल रहा और इस मूवी का साउंड ट्रैक भी इन्होंने ही तैयार किया। ये फिल्म थी डबल गड़बड़। इसमें आशा भोसले जैसी दिग्गज सिंगर के साथ इन्हें गाने का मौका मिला। आज मैं ड्रंक हूँ, मुझे होश नहीं, मैं कौन हूँ, मैं हक कलाऊं, मुझे माफ करना। साल 1995 में बाबा सहगल के 2 एल्बम लॉन्च हुए, इंडियन रोमियो और तोरा तोरा। इसी साल बाबा ने फिल्म डांस पार्टी के लिए म्यूजिक कंपोजर के तौर पर भी काम किया, जिसमें लोकप्रिय गीत था कपूरथला से आया हूँ, तेरे लिए लाया हूँ ऑरेंज कुर्ता पीला पायजामा, जो गाना खूब पसंद किया गया। इसके नेक्स्ट ईयर साल 1996 में लुम्बा लुम्बा नाम से बाबा का एक एल्बम लॉन्च हुआ। मिस लुम्बा लुम्बा तुमने बड़ी फंटास्टिक, मिस लुम्बा लुम्बा यू वेरी रोमांटिक, मिस लुम्बा लुम्बा। तो वहीं साल 1997 में बाबा सहगल ने धमाकेदार अंदाज में 5 एल्बम निकाले, जो थे न आरिया है न जारिया है, अमेरिका में इंडियन ढाबा, डीजे मिक्स ब्लू, धक धक दिल इन कलकत्ता और अ रीजन टू स्माइल। साल 1998 में बाबा ने मेरी जान हिंदुस्तान टाइटल से एक एल्बम और निकाला। हम तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, खेले खेलेंगे हम जिम्मेदारी। तो वहीं जुगनी मस्त कलंदर नाम से इनका दूसरा एल्बम भी सामने आया। अब मैं वेंगा बॉय टाइटल से इनका एक और नया एल्बम साल 1999 में रिलीज हुआ। तो साल 2001 में पिंगा पिंगा शीर्षक से बाबा का एक नया म्यूजिक एल्बम मार्केट में आया। पिंगा 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 मारू या,
साल 2003 में पंप अप योर स्टाइल नाम से बाबा का एक और एल्बम लॉन्च हुआ। मेरे गाने का स्टाइल, मेरे चलने का स्टाइल, मेरे बोलने का स्टाइल है, मेरे हेयर का स्टाइल, मेरे शेयर का स्टाइल। इस तरह बाबा ने एक के बाद एक ऐसे दर्जनों एल्बम निकाले। 90 के दशक में एक तरफ जहां फिल्मों में रोमांटिक गाने धूम मचा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा का रैप भी पसंद किया जा रहा था, तो वहीं इनके बाद और भी कई कलाकार अपने एल्बम निकालने लगे थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बाबा के गाने चलने कम होते गए और बाबा अब परेशान रहने लगे। कभी वो सीरियस, कभी वो जोकी, never does anything in low-key, shoulder से dust को यूं ही झाड़। तो वहीं इनकी परेशानी की एक और वजह भी थी। दरअसल ये मिड 90s का दौर था और इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड ने एंट्री मारी थी। स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा और तमाम म्यूजिक कंपनियां बंद होने लगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हर दूसरे शख्स को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी। इसी दौरान बाबा सहगल को भी कुछ धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। मैं ये नहीं समझता, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि जितना म्यूजिक वीडियोस ने आर्टिस्ट इमेज को बूस्ट किया है मेरे करियर में, मैंने आज तक किसी के म्यूजिक वीडियो में नहीं देखा है। टचवुड, ये मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। पहले तो बाबा ने इन थ्रेटनिंग्स को इग्नोर किया, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि ये डर गए। फिर बाबा ने इंडिया छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जिस म्यूजिक कंपनी से इन्हें रॉयल्टी मिलती थी वो भी बंद हो चुकी थी। बताते हैं कि तब इनके पास एक घर था और सिर पर बड़ा सा लोन। इस कंडीशन में बाबा ने बोरिया बिस्तर समेटा और सिंगापुर चले गए। वहां जाने के बाद इन्होंने अपनी सेविंग्स से कुछ बिजनेस शुरू किए, लेकिन अफसोस कई अलग अलग तरह के कारोबार में ये पैसा इन्वेस्ट करते रहे और वो फेल होते गए। इस तरह कुछ ही सालों में इनके सारे पैसे डूब गए और लोन चुकाने के लिए बैंकों के फोन आने लगे। बाबा के लिए ये काफी मुश्किल वक्त था। आखिरकार बाबा ने वतन वापसी की सोची और भारत लौट आए। उन दिनों जी टीवी एक नया शो शुरू करने जा रहा था। बाबा ने उन्हें काम के लिए अप्रोच किया। जी ने इन्हें जावेद जाफरी के साथ फिलिप्स टॉप 10 नाम के इस शो में ले लिया और ये शो बड़ा हिट साबित हुआ। बाबा का साउथ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग रहा। बताते हैं कि एक बार साउथ फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने बाबा सहगल को हैदराबाद एयरपोर्ट पर उदास देखा और वजह पूछी। बाबा ने काम की कमी के बारे में बताया और फिर तुरंत चिरंजीवी ने इन्हें एक फिल्म में गाना गाने का मौका दिलवा दिया। ये फिल्म थी जलसा, जिससे बाबा ने साउथ फिल्मों में एक बार फिर से वापसी की। इसके पहले 1995 में बाबा सहगल चिरंजीवी की ही तेलुगु फिल्म रिक्शा वोडू में गाना गा चुके थे। रूप तेरा मस्तहना, नीकु तेरा व्यस्तहना। इसके बाद बाबा सहगल का तेलुगु फिल्मों में सिंगिंग करियर चल पड़ा। खैर, आगे चलकर बाबा ने सोचा कि इन्हें म्यूजिक की कुछ और फॉर्मेट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और साल 2001 में ये म्यूजिक सीखने अमेरिका चले गए। वहां संगीत की प्रॉपर ट्रेनिंग ली और साल 2005 में फिर इंडिया लौटे। मुंबई में बाबा ने फिर से अपना काम शुरू किया और साल 2005 में ही वेलकम टू मुंबई नाम से अपना एक एल्बम लॉन्च किया। साल 2006 में बाबा सहगल इंडिया के पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रहे, हालांकि ये बिग बॉस का पहला सीजन ही था। बाबा सहगल को इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बुलाया गया था। जब से मैंने देखा तुझे डार्लिंग पहली बार, सोचा नहीं समझा नहीं दिल में गया हाँ, आओ बैठो पास मेरे बातें करें चार। बाबा बताते हैं कि वो शो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्हें अच्छे पैसे ऑफर हुए थे, जिसकी इन्हें तब बहुत जरूरत थी। बिग बॉस से आने के बाद बाबा को एक बार फिर से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला और अब तक खासकर रैपर और सिंगर की पहचान बनाने वाले बाबा को अब वहाँ फिल्मों में रोल ऑफर होने लगे। उसको झूम कर थाम, उसका फेस ही नजर नहीं आ रहा है, ये फुटेज वेस्ट है। हॉस्पिटल का भी कैमरा बंद किया था ना, उसका भी कोई फुटेज नहीं है।
तब बाबा सहगल ने कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में विलन का रोल किया, जिसे खूब पसंद किया गया। लेकिन हर चीज का वक्त लगभग तय होता है, तो समय के साथ बाबा को भी फिल्मों के ऑफर कम होते चले गए। हाँ, ये एक्टिंग के साथ साथ अपने सिंगिंग को भी जारी रखे हुए थे, लेकिन ये पहले की तरह बड़ी म्यूजिक कंपनियों के साथ कम और पर्सनल लेवल पर ही ज्यादा था। आगे की बात करें तो साल 2009 में बाबा ने बेब दी गड्डी नाम से एल्बम लॉन्च किया। इसके साथ ही वो बीते दिन और द मैजिक ऑफ इंडिया नाम से भी इन्होंने एल्बम निकाले। बाबा आगे चलकर माई फ्रेंड गणेशा 3 और हेलीकॉप्टर इला जैसी फिल्मों में भी नजर आए। सीख जाएगा खोतिया, सीख जाएगा। वो पहले एक सवाल का जवाब दे। फिर सवाल? वो दुनिया में कितने अजूबे? नौ। लेकिन सारी दुनिया ते कहंदी है आठ। साल 2010 के आसपास वो दौर आया जब भारत में सोशल मीडिया ने पांव जमाने शुरू कर दिए थे। फेसबुक, ट्विटर और फिर इंस्टाग्राम पब्लिक के बीच खूब पॉपुलर होते गए। बाबा ने भी इसे आजमाने की सोची और ट्विटर पर फैंस से इंटरेक्ट करना शुरू किया। सोमवार हो या शनिवार, हर कोई बार ट्विटर इज 24 आवर्स चालू यार। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या है ये ट्विटर समाचार। वेरी सिंपल, चप्पल छोटी हो जाए तो पांव में नहीं आती, बीवी मोटी हो जाए तो पांव में। बाबा ने यंगस्टर्स को टारगेट किया और टू लाइनर्स लिखकर पोस्ट करने लगे। धीरे धीरे लोगों ने इसे लाइक शेयर करना शुरू कर दिया और बाबा छा गए। फिर तो इनके टू लाइनर्स खूब रिट्वीट होने लगे। वेरी लॉन्ग टाइम अगो के ठंडा ठंडा पानी, ब्यूटीफुली पापा टोल्ड माय मम्मी, बाबा विल श्योरली बी अ ग्रैमी। धीरे धीरे बाबा इन्फ्लुएंसर बन गए और कई ब्रांड्स अपने प्रमोशन के लिए इनके पास आने लगे। बाबा इस चीज को लेकर सीरियस हो गए और फिर इन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। रेमेडी 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 विल टेल यू लिव अ हेल्दी लाइफ, योर गर्लफ्रेंड विल सून दिखा। बाबा बिल्कुल रॉ अंदाज में अपने गाने बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगे और इनके सब्सक्राइबर उसे देखने लगे। मेरा डोला डोला खाके पानी पूरी बनिए, बोला 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 बोला, उम्र चाहे 20 40 हो या 16 16 16। दोस्तों, मार्च 2020 से लेकर फिलहाल जनवरी 2024 तक बाबा सहगल लगभग 284 से ज्यादा गाने, रिमिक्स और कवर सॉन्ग्स बना चुके हैं जिन्हें इस चैनल पर शेयर किया है। राजा हूँ मैं तेरा और तू है मेरी क्वीन, कैल्शियम हूँ तेरा और तू मेरा। ये आज भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर रैप बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल बाबा सहगल एंटरटेनमेंट पर अपने सिंगल्स के तौर पर रिलीज करते हैं। इन्होंने कोरोना पर भी एक रैप बनाया था जो सुर्खियों में रहा था। जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है, सब स्टॉप हो गए। बाबा मुंबई में ही रहते हैं और अपनी म्यूजिकल लाइफ को एंजॉय करते हैं। गर्मी है बाहर, कितना पसीना है, एसी में चलना, ठंडे में जीना है, कंपनी है खुद की। इन्होंने अपने सिंगिंग करियर में अपने ज्यादातर गाने खुद ही लिखे और खुद ही कंपोज किए, जो इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को दिखाता है। दिल किसी को लाइक करता है, जाकर उसको बोल देना, हाँ बोलेगी ना बोलेगी, इमोशंस फिर भी खोल देना, प्यार ही तो किया है कोई। साथ ही इन्होंने कई सारे विज्ञापनों में भी काम किया। यूज गाड़ी की बम में दम है, यूज गाड़ी की बम में दम है, शान से लो बेचो बेटा किस बात। बाबा सहगल ने जूम टीवी पर शो संता और बंता न्यूज अनलिमिटेड की एंकरिंग भी की थी। आज हमारे बीच ऐसी अधिकारा जिनको हम वेलकम करते हैं, उनका नाम है मिसेस चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा। मिस हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शर्लिन एक बहुत। तो वहीं DD2 पर प्रसारित हुए टीवी शो सुपरहिट मुकाबला के होस्ट रहे, जो प्राइम टाइम में आता था। इंटेलिजेंट तरीके से उस बंदर ने अंगूर निकाला, सील लाइन ने घड़ी ढूंढ ली और उस औरंगुटान ने वो नारियल छीना, क्योंकि अगर हम इनके साथ रहेंगे। इसके अलावा बाबा सहगल बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाने डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें भूत अंकल और नालायक आदि फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा बाबा ने आर्या 2, अड्डा, गब्बर सिंह, हम हैं बेमिसाल, डॉन सीनू, ओम 3D, 13B आदि फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। साल 2009 में इन्होंने सब टीवी की कॉमेडी सीरीज जुगनी चली जालंधर में भूमिका निभाई थी और साल 2011 में स्टार 1 पर सीरियल रंग बदलती ओढ़नी में भी नजर आए थे। बाबा ने तत्कालीन रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाला एक गाना ट्रंप का मेनिया तैयार किया था, जो हिट रहा था। कभी वो सीरियस, कभी वो जोकी, नेवर नेवर डज एनीथिंग इन लोकी।
शोल्डर से डस्ट को यूं ही झाड़। इन्होंने हिंदी फिल्मों और अपने नॉन फिल्मी एल्बम्स के अलावा 100 तेलुगु, 40 तमिल और 20 कन्नड़ गीत गाए हैं। चलिए अब बात करते हैं बाबा सहगल की पर्सनल लाइफ की। तो कुछ साल पहले ये एक लड़की आशिमा कालरा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते काफी विवादों में रहे, जो लड़की इनसे 15 साल छोटी थी। बताते हैं कि उस लड़की की वजह से बाबा सहगल ने अपनी पत्नी अंजू को घर छोड़ने तक के लिए कह दिया, जिसके बाद इनकी पत्नी ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी और इन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनका तब एक बेटा भी था तनवीर, लेकिन बाबा ने किसी की परवाह नहीं की और काफी विवाद के बाद पत्नी से अलग हो गए। फिलहाल ये अपनी उसी महिला मित्र आशिमा कालरा के साथ रहते हैं। संगीत और ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा सावन के टॉकिंग म्यूजिक शो में बाबा सहगल से पूछा गया कि इनका करियर बॉलीवुड में ज्यादा क्यों नहीं चला। इस सवाल के जवाब में इन्होंने कहा था कि मैं बॉलीवुड के लिए नहीं बना हूँ, बॉलीवुड मुझे कभी रास नहीं आया, ये हमेशा थोड़ा डरा हुआ और असुरक्षित रहा है। ठंडा ठंडा पानी से पहले मैं बप्पी लहरी के बंगले पर अपना कैसेट देने गया था, उन्होंने मेरा गाना सुना और कहा कि ये अच्छा है और मैं समय आने पर आपको बुलाऊंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आप कैसे मुझे बुलाएंगे जबकि आपके पास मेरा नंबर तक नहीं है। दोस्तों, आज भी बाबा सहगल के लाइव शोज और म्यूजिक वीडियोस में संगीत और कॉमेडी का मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता है। लेकिन देश में रैप सॉन्ग्स को इंट्रोड्यूस करने वाला सिंगर आज भी लगभग गुमनाम सा है, जिसने एक दौर में खूब लोकप्रियता हासिल की पर फिर ध्रुव तारे की तरह अस्त हो गया। हालांकि अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद बाबा सहगल कभी निराश नहीं हुए और बार बार गिरकर भी उठते रहे। ये आज भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हंसमुख अंदाज में फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियां भी शेयर करते रहते हैं। बाबा म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी करते हैं और रियलिटी शोज में भी नजर आते रहते हैं। इनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा सहगल एक मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आज भी इनकी एनर्जी यंगस्टर्स को पछाड़ने वाली दिखती है और इनका बेफिक्र अंदाज हमें जिंदगी एंजॉय करने को इंस्पायर करता है। बाबा सहगल ऐसे ही शानदार अंदाज में सबको एंटरटेन करते रहें और जिंदा दिली से जिंदगी जीते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाबा का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, लिखना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।